आज मैं औपचारिक शुरुआत नहीं करूंगा। आज मैं हाल ही में सुर्खियों में रही और अभी फिलहाल भी सुर्खियों में है फ्रांस की हिंसा की घटना की खबर को लेकर प्रस्तुत हूँ। भारतीय मीडिया जो फ्रांस की हिंसा की घटना है उसको काफी जोर शोर से दिखा रही है, दिखाना भी चाहिए। वैश्विक घटना है, वहां पे भी शांति स्थापित होनी चाहिए, ऐसा हमारा और सभी देशवासियों का प्रयास होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश के भी एक अहम हिस्से पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य आज लगभग 2 महीनों से हिंसा से ग्रसित है, लेकिन भारतीय मीडिया का ध्यान वहां पे शायद ही गया है, काफी कम गया है। तो हम इस वीडियो संदेश के माध्यम से यह भारतीय मीडिया को, क्योंकि भारतीय मीडिया के रैंकिंग के आधार पर भी बात किया जाए, वैश्विक रैंकिंग के आधार पर तो काफी लो है, नीचे है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप विश्व की घटनाओं को तो दिखा रहे हैं, लेकिन भारत में भी जो एक अहम राज्य है मणिपुर, वो हिंसा से ग्रसित है, तो आप उसे भी प्रमुखता से लाएं ताकि वहां भी जो है शांति की बहाली हो, शांति की स्थापना हो। साथ ही साथ मैं भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और उनकी पूरी कैबिनेट से यह आग्रह करता हूँ कि मणिपुर में शांति बहाली को प्रमुखता से ध्यान दिया जाए ताकि वहाँ शांति बहाल हो। हम वैश्विक घटनाओं के चक्कर में अपने देश की अवस्थिति को, अपनी देश की घटना को नहीं भूलें। तो अंत में मेरी यही कामना है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, वसुधैव कुटुम्बकम हो। अयम निजः परो वेति गणना, लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यह अपना है, यह दूसरों का है, ऐसा छोटे हृदय वाले, नीच हृदय वाले सोचते हैं, जबकि उदार हृदय वालों के लिए सारा संसार ही एक परिवार के समान है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।